नमस्कार, NH1 के सभी श्रोताओं का NH1 में स्वागत है। और साथियों, मैं हूं आपका अपना दोस्त प्रदीप शर्मा। आपको बता दें कि इस वक्त हम रियासी के बस स्टैंड में खड़े हैं और आप हमारे पीछे जहां पे तस्वीरों में देख सकते हैं कि केशवनाथ के लिए आज जो शड़ी यात्रा है वो जहाँ से निकल रही है और हर साल जो है वो यात्रा जहाँ से निकलती है। महाराज, सबसे पहले तो आपका NH1 में स्वागत है। बहुत 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 आपको धन्यवाद है। आज ये जो यात्रा निकल रही है जहाँ से, कि कहाँ पे ये यात्रा जाएगी और कितने दिनों का ये जो सफर है? सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट रियासी से कौशलनाग यात्रा, जो हमारी 11वीं यात्रा जो निकल रही है। जी जी, वैसे मेरी 15वीं यात्रा है। मैं सभी लोगों को बधाई देते हुए मैं उन सबको शुभकामना मंगल कामना चाहूँगा। और ये जो यात्रा अभी हमारी जा रही है, कोविड की तरफ से हमने कम रखा है ताकि जो बीच में जो भी कोरोना फैला था, अराजकता है, उसको हम खुद कम करके चले। और हमारी यात्रा ये दिव्य यात्रा है। ये यात्रा जो है धर्माड़ी, अन्नास, मोहर, सुंगड़ी, सुसाना होते हुए और ये कौशलनाग हम लोग नाग पंचमी को स्नान करेंगे और ये यात्रा दिव्य यात्रा है। और इस यात्रा का प्रारंभ जो है साधु संत ऋषियों के द्वारा रचित किया हुआ है। माँ जो सरोवर है वो दिव्य है। विष्णुपाद की मात्र एक क्षीर सागर की तरह सरोवर है। तो मैं सबसे पहले हमारे जनता के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए मैं बार बार बधाई दूंगा कि ये हमारी यात्रा दिव्य है। कठोर है, लेकिन कठोर का जो परिश्रम होता है वो बहुत मधुर होता है, बहुत दूरदर्शी होता है। इसलिए इस यात्रा का जरूर लाभ उठाएं, एक बार इस यात्रा को देखें। कितने व्यक्ति जो है वो यहाँ से रियासी की अगर बात करते हैं, कितने लोग यहां अभी यहाँ से हम कम जा रहे हैं, क्योंकि ये पीछे से हमारी देश की जो हालात के अनुसार हम लोग कदम उठा रहे हैं। वरना तो बहुत भीड़ होती थी। जी जी, बिल्कुल। कई गाड़ियां होती थी, बहुत गाड़ी गई यहाँ से, इसलिए हमें कम संख्या में जाकर के हमें असल में क्या है कि कौशलनाग सरोवर का प्रेजेंट करना है, वहाँ पे हाजिरी लगानी है। इसलिए हम सबसे पहले ये चाहेंगे कि हमारी अराजकता दूर हो, ये शुभकामनाएं चाहेंगे और हमारी खुशहाली आना चाहिए, यही साधु संत चाहते हैं। इसके साथ में सबको डिस्ट्रिक्ट रियासी को और यहाँ बैठे सभी समस्त हमारे यात्रा में जो समागम ले रहे हैं उन सबको शुभकामना देता हूँ। इसलिए कौशलनाग सही, कौशलनाग सरोवर की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वैष्णो देवी की। और रवाना हो रही है और सीधी विजुअल जो है वो इस वक्त हम आपको तहसील ऑफिस के बाहर की दिखा रहे हैं कि बस कुछ ही लम्हों के बाद यहाँ से यात्रा जो है वो निकल जाएगी। क्या कहेंगे आप, जो कौशलनाग की यात्रा जो है वो इसका आरंभ हुआ है, क्या कहना चाहेंगे आप? कौशलनाग एक बहुत बड़ा सरोवर है जिसका पुराणों में बहुत उल्लेख है, तीर्थ स्थान है। वहाँ बहुत यात्री हिंदू लोग जाते हैं वहाँ और पूजा अर्चना करते हैं, वहाँ लोगों की मन्नतें मनाते हैं और सुखने करते हैं, जैसे पूरी होती हैं, इसलिए बहुत लोग जाते हैं। और पिछले 11 सालों से रियासी से लगातार यात्रा जा रही है, हर साल जाती है। अभी कोविड है इसलिए दीक्षित साहब ने कहा था थोड़े लोग जाएंगे, सांकेतिक होनी चाहिए, इसलिए हम थोड़े से लोग जा रहे हैं। तो बस अभी यहाँ रियासी से निकलने वाले हैं। कितने अगर बात करें, कितना लंबा सफर जो है यहाँ से आप तय करेंगे? जहाँ से गाड़ियों में जो है 120 किलोमीटर है, उसके बाद पैदल है 20-22 किलोमीटर। कितने दिन का समय लगेगा इस पूरी यात्रा में की अगर बात करते हैं? हमें 5 दिन का एस्टिमेट बनाया हुआ, कई बार ज्यादा चलने वाले लोग 4 दिन में भी हो जाते हैं और कुछ लोग वहाँ जो लोकल है वो 2 दिनों में आ जाते हैं, 1 दिन जाने में, दूसरा आने में। हमारे साथ म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन भी हैं और सबसे पहले तो जी आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। और आज अगर बात करें, इस यात्रा का आरंभ हो रहा है, आप भी जहाँ पे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये यात्रा बहुत कठिन यात्रा है, 11 साल हो गए रियासी से ये यात्रा चलते हुए। और मैं समझता हूँ कि अनाज से, मोहर से, भूल गुलाबगढ़ से वो आगे हमारे जो लोग हैं वो इस यात्रा से जुड़ते हैं और बाबा जी के नेतृत्व में ये यात्रा जो है हमारी चलती है, हमारे ठाकरदास ठाकरदास जी हैं, ये भी साथ में चलते हैं। मैं समझता हूँ कि ये यात्रा बहुत कठिन यात्रा है, रास्ते में कोई सुविधा नहीं है, लेकिन उससे लोगों को कोई परेशानी आती है। लेकिन जैसे कोविड है
इसकी वजह से जैसे एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी बात हुई, वो कहते हैं कि थोड़े से लोग जाएं वो यात्रा करने के लिए, उसी हिसाब से हमें जो परमिशन मिली है और यात्रा जो है आज रास्ते से चलेगी, जो 120 किलोमीटर जो है यात्रा जो है गाड़ियों में जाएगी और 20-25 किलोमीटर यात्रा है जो पैदल में जाएगी। बहुत कठिन यात्रा है, सुविधा कोई नहीं है, आर्मी वाले वहाँ पे हमारा कोई इंतजाम करते हैं, वहाँ पे पुलिस वाले भी करते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि आने वाले टाइम में 10-20 साल में जो यात्रा है, जैसे हम अमरनाथ यात्रा जाते हैं, ऐसे ही यात्रा जो है जैसे शुरू होगी। धन्यवाद माता की। हाँ, तो ये जो अभी हमको अनुमति मिली है यहाँ पर शड़ी यात्रा कौंसल नाग के लिए, तो इसके लिए जो आज के जो मुख्य अतिथि थे वो डिप्टी कमिश्नर रियासी थे, जहाँ इस कारण से वो यहाँ पर नहीं पहुँच पाए हैं, तो उनकी जगह पर हमको जहाँ पर हरी झंडी देंगे आज चेयरमैन जो है म्यूनिसिपल काउंसिल के रियासी के माननीय श्रीमान शशिपुरी जी, अभी शशिपुरी जी वो जहाँ पर आएंगे और यात्रा को अनुमति देंगे। जय शंकर, जय श्री राम, शशिपुरी जी। नाग भगवान की जय, नाग भगवान की जय, हर हर महादेव, हर हर महादेव।